दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में गुरुवार सुबह पार्क में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी पाकर मंगोलपुरी थाना पुलिस क्राइम टीम घटना स्थल का मुआयना करने के लिए पहुंची तो देखा कि एक युवक लहूलुहान हालत में पार्क में जमीन पर पड़ा था, जिसके सर पर गंभीर चोट लगी हुई थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। शुरुआती तौर पर लगता है जैसे युवक के सर पर गाड़ी चढ़ा दी गई हो। अब ये साजिश के द्वारा की गई हत्या है या हादसा, यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल जांच में फोरेंसिक टीम, क्राइम टीम और लोकल पुलिसकर्मी के आसपास के सीसीटीवी कैमरे और पार्क के मिट्टी और ब्लड के सैंपल कलेक्टरेट कर रही है। फिलहाल मंगोलपुरी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर संजय गांधी स्थित मोर्चरी में रखवा दिया है। साथ ही आसपास के थानों में रिपोर्ट के रिकॉर्ड को चेक किया जा रहा है ताकि मृतक की शिनाख्त हो सके। सर नाम बताएं अपना। मेरा नाम नितिन है भाई। नितिन जी, कौन सी ये जगह है और क्या कुछ घटना है? ये मंगोलपुरी कला मंदिर पार्क है, रामलीला के दौरान बोले जाता है इसको। आज डेड बॉडी देखी गई है। मैं टहल रहा था तो मैंने डेड बॉडी यहाँ पे देखी। इसका पूरा सर खुला हुआ है और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई है और पुलिस वाले आगे की तरफ जाने नहीं दे रहे देखने के लिए। पहचान हो पाई है अभी? नहीं, पहचान तो नहीं हो पा रही है। इसका सर खुला हुआ है पूरा, आईडी कोई आईडी भी नहीं है, तन पे उसके कपड़े भी नहीं है कोई। सर नाम बताएं अपना। संगीत कुमार। संगीत जी बताएं कौन सी ये जगह है और क्या कुछ घटना यहाँ हुई है, बताएं। ये कला मंदिर का पार्क है मंगोलपुरी। इधर आने पर देखा है कि एक व्यक्ति के सर पे गाड़ी चढ़ी हुई है और शायद वो रात से पड़ा हुआ है, किसी ने मार के फेंका ऐसा लगता है। धन्यवाद।